इन सब के बाद मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, शिक्षा के सवाल पर चर्चा नहीं होती, बिजली पानी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, किसानों के फसल के दाम के सवाल पर चर्चा नहीं होती। पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पर चर्चा क्या चल रही है, भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया, भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया। सोशल मीडिया वाले निकाल रहे हैं कि बीजेपी के तो तीनों सांसद भगवा कपड़े में डांस कर करके हीरोइनों के साथ उनका डांस का कार्यक्रम चल रहा है। ये मुद्दा है देश का, ये विषय है। भगवा कपड़े पे पहनने वाले चिन्मयानंद को हम लोगों ने नहीं देखा, भगवा कपड़े में इसी उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घूमते हैं, एक कार्यक्रम में गए हरदोई या सीतापुर में कहां पे, वहां पे लड़की ने भगवा कलर के बना दिए, बताइए टॉयलेट भगवा कलर में बना दिए, ये हो रहा। और हम जब कहते हैं भगवा का सम्मान कीजिए, अरे भगवा का सम्मान कम से कम भाजपाइयों से हम लोगों को नहीं सीखना, बिल्कुल नहीं सीखना। संसद के अंदर अगर गया हो तो आपकी आवाज उठाने के लिए गया हो, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए गया हो। एक ऐसा कानून, काला कानून हिंदुस्तान के अंदर लाया जा रहा था जिससे आपकी खेती के ऊपर कब्जा हो जाता, तमाम जो जमींदारी की व्यवस्था लंबी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में खत्म हुई थी, उस काले कानून में मोदी जी कह रहे थे कि अब कोई भी व्यापारी चाहेगा, पूंजीपति चाहेगा तो 20,000 एकड़ जमीन आपकी ठेके पे ले सकता है, 50,000 एकड़ जमीन आपकी ठेके पे ले सकता है, 1,00,000 एकड़ जमीन आपकी ठेके पे ले सकता है, और जो आपके बीच की मेड़े रहेगी उस मेड़ों को पाट कर उसमें बड़े बड़े गोदाम बना के और बड़ी बड़ी फार्मिंग करके रुपया कमाया जाएगा, और 3 साल और 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जब आप जाएंगे उस अदानी के पास, अंबानी के पास, बड़े बड़े पूंजीपति के पास कि भैया हमारा जो खेत लिए थे हमको वापस दे दो, तो कहिए कि जहां है खेत ढूंढ ले, जहां तुम्हारा खेत है खोद लो, क्योंकि उसके ऊपर तो मेरे तो सपाट कर देंगे, वहां तो नाले बन गए, वहां बड़ी बड़ी बड़े बड़े गोदाम बन गए, बड़े बड़ी बिल्डिंगें और घर बन गए, आपकी खेती पे कब्जा करने की साजिश थी। इस कानून में एमएसपी की व्यवस्था को खत्म करने की साजिश थी। 1 साल आपको बताया गया आपका अनाज सरकार अधिक मात्रा में खरीद रही है, एमएसपी दे रही है, किसानों चिंता किस बात की है, इस बार खरीद कम कर दी गई और ये लगातार कम की जाएगी। आपसे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री बन गए तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कूड़ेदान में चली गई, कूड़ेदान में चली गई। मैं आज इस किसान मंच के माध्यम से, राष्ट्रीय किसान मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं आप सबका कि ये C2+50% यानी लागत मूल्य निर्धारित करने का जो तरीका स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है उसके ऊपर 50% का मुनाफा लगा के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसानों को दी जाए, इस बात की लड़ाई आप लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे। पार्लियामेंट में भी इसके लिए सवाल हमने उठाया, इसके लिए सवाल उठाया, थोड़ी देर बात होने दो, ये नारे बंद कर दो। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, किसानों के सामने एक संकट नहीं है। आपको क्या कहा जाता है, अरे भाई किसान सम्मान निधि दी जा रही है आपको, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, कितनी दी जाती है, 4 महीने में ₹2,000 और साल के ₹6,000, एक आदमी के हिस्से में प्रतिदिन कितना आया, ₹16, कितना आया ₹16, दूध के 1 लीटर का दाम कितना है ₹50, ₹60, ₹20 में पानी की बोतल मिलती है, बच्चे की फीस कैसे जमा करेंगे, घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा। आप ₹16 एक किसान को देकर आप देश भर में ढिंढोरा पीटते हैं, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि,
ऐसा सम्मान हमको नहीं चाहिए। हमको सरकार के खजाने में जो पैसा है उसकी हिस्सेदारी चाहिए, उसमें बराबरी का हक चाहिए। आप 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती कहते रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल, पानी फ्री दे रहे कहते रेवड़ी बांट रहे, आप इलाज मुफ्त कर रहे केजरीवाल कहते रेवड़ी बांट रहे। रेवड़ी क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी इस संसद के अंदर और किसान भाइयों के मुद्दों को आपको जानना बहुत जरूरी है। शेखर भाई इन सवालों पर बहस चलानी चाहिए। अशोक जी भी बैठे हैं यहां पर। अभी पार्लियामेंट में राज्यसभा में वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया है, बहुत चौंकाने वाला जवाब। और वो जवाब क्या है, उन्होंने कहा कि 10.5 लाख करोड़ रुपए हमने चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया है पिछले 5 साल में। राइट ऑफ का मतलब समझते हैं अंग्रेजी के शब्द ये लोग बोलते हैं जिससे आम आदमी को समझ में ना आए। राइट ऑफ का सीधा मतलब मैं आपको समझा दूं, बट्टे खाते में डालना। यानी कि चाय की दुकान पर अगर पैसा ज्यादा हो जाए 2000-3000 रुपए तो जैसे स्टूडेंट जो छात्र लोग पढ़ते थे कहते ऐसा है कि एक बट्टा खाता में डालो 100 रुपया ले लो बाद चाय पियो शुरू करो। तो पुराना पैसा बकाए का पैसा 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का बट्टे खाते में डाल दिया। वो पैसा किसका पैसा है मैं पूछना चाहता हूं, वो पैसा किसका पैसा है जो बैंकों में जमा पैसा है, किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा, जो पैसा अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एक कर्मचारी मेहनत करके कमा के जो बैंकों में जमा करता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो पैसा उठा उठा के अपने पूंजीपति मित्रों को बांट दिया। और वो पैसा कोई थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं है, 10.5 लाख करोड़ रुपए। मैं अगर जीरो लगाने को कहूं तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, इतना पैसा उठा के देंगे। आप अपने बच्चों के लिए स्कूल मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अस्पताल मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौकरी मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। फसल का दाम मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हैं हमको पेंशन दे दो बुढ़ापे में, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां, ये पैसा इन चंद पूंजीपति के मित्रों के ऊपर सरकार ने लुटा दिया। राष्ट्रीय किसान मंच के लोग इसका हिसाब मांगिए और बार बार पूछिए। मैं राज्यसभा में वित्त मंत्री का वो जवाब आपको दूंगा। पूछिए उनसे, एक सवाल और पूछा गया कि ये जो 10.5 लाख रुपए तुमने माफ किया है ये किसका है, नाम तो बता दो। तो हमारे यहां भारतीय परंपरा में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती है ना। ऐसी हमारी मोदी जी की सरकार है, वो पूंजीपति की, पूंजीपतियों की पतिव्रता पत्नी है, वो नाम नहीं लेते। उनसे पूछा गया नाम तो बताओ किसका पैसा माफ किया तुमने, अरे 10,000-10,000, 1,00,000, 2,00,000 नहीं, करोड़ 2 करोड़ भी नहीं, 10.5 लाख करोड़ रुपए तुमने माफ कर दिया, नाम तो बता दो। तो कहने लगे नाम नहीं बताएंगे। अगर शेखर दीक्षित जी का 2 लाख रुपए बैंक का कर्जा हो तो पूरे गांव में इनकी बेइज्जती की जाएगी, बैंक के सामने इनका नाम चस्पा कर दिया जाएगा। संजय सिंह का अगर 5 लाख रुपए का कर्जा बाकी हो तो पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती की जाएगी। बैंक वाले डुगडुगी पिटवा के, तहसीलदार आएगा मुझे कालर पकड़ के हवालात में बंद कर देगा। अगर हमारे किसान भाई का 20,000 रुपए का भी कर्जा बाकी होगा तो उसका कालर पकड़ के तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है ये तो बकायेदार है, ये तो कर्जदार है। लेकिन 10.5 लाख करोड़ रुपए जिन लोगों ने हिंदुस्तान का लूट लिया, आप सबका लूट लिया, उनका नाम सरकार नहीं बता रही। मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार पूंजीपति मित्रों की पतिव्रता पत्नी है, हम नाम नहीं लेंगे उनका। नाम पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, इनसे नाम पूछिए, नाम तो पता कीजिए। मुझे एक बैंक वाले ने
अपना नाम नहीं बताने की शर्त पे कुछ लोगों के नाम बताए और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक कंपनी है आधुनिक मेटेलिक लिमिटेड, 5371 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 410 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 4961 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। कितना? 4961 करोड़ रुपए। एक कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 29000 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 5000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 24000 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। एक कंपनी है एमटेक ऑटो लिमिटेड, 12000 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 2000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 10000 करोड़ रुपए इनका माफ। और ये 10000 रुपया नहीं, 10000 करोड़, 10000 करोड़, सुनिया। और ये टोटल इनका जो कंपनियों का है, मैं लिस्ट भी इसकी दे दूंगा, 5,44,434 करोड़ रुपए चंद कंपनियों की लिस्ट मुझे मिली है, इनका पैसा बाकी था और इसमें से 1,90,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने जमा किया और 3,53,000 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। ये सेटलमेंट हुआ है, माफ किया गया 3.5 लाख करोड़ रुपए। आपके बच्चे के लिए, स्कूल के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, मिड डे मील के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल में दवाओं के लिए पैसा नहीं है, खून के आंसू रोने पड़ते हैं आपको। आपको अपना अगर किसान सम्मान निधि भी पाना है तो उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, बार बार के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन चंद बेईमानों ने इस देश को जो लूटा है, इनसे सवाल कौन पूछेगा? हम और आप पूछेंगे, और तब पूछेंगे जब आपके बीच के भाई विधानसभा और संसद के अंदर और राज्यसभा में पहुंचेंगे, तब इनसे सवाल पूछेंगे। अकेले कब तक सवाल हम पूछते रहेंगे? ये तो बेईमानों की संख्या बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है साथियों। आज चाइना हमारे सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाल आंख दिखानी चाहिए, लाल आंख दिखानी चाहिए। कहां है मोदी जी आपकी लाल आंख? पहले डोकलाम होता है चीन की घुसपैठ, फिर गलवान होता है चीन की घुसपैठ, हमारे 20 जवानों की शहादत होती है गलवान में, फिर तमांग में घुसपैठ होती है। और जब हमारे 20 जवानों की शहादत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के नारे लगा रहे थे और ड्रामे कर रहे थे, चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे, चीनी कंपनियों पे प्रतिबंध लगाएंगे। आपको मालूम है अशोक भाई कितना चीनी कंपनियों के साथ व्यापार किया इन्होंने? 2020-21 में गलवान के बाद चीन के साथ जो हमारा आयात हुआ पहले साल 5,00,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद बोले, फिर से जब उन्होंने आंख दिखाई तो बोले अभी व्यापार कम है, इस साल का व्यापार है 97 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 7,25,00,000 करोड़ रुपए का हम आयात कर रहे हैं। हम उनको मिसाइल बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम उनको तोप बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम उनको अपने ऊपर हमले करने के लिए पैसा दे रहे हैं कि आओ हमारे देश के अंदर घुसपैठ करो और हमले करो। यह इस देश की सरकार की सच्चाई। लेकिन इन सब के बाद मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, शिक्षा के सवाल पर चर्चा नहीं होती, बिजली पानी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, किसानों के फसल के दाम के सवाल पर चर्चा नहीं होती। पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पे चर्चा क्या चल रही है? भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया, भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया। सोशल मीडिया वाले निकाल रहे हैं कि बीजेपी के तो तीनों सांसद भगवा कपड़े में डांस कर करके हीरोइनों के साथ उनका डांस का कार्यक्रम चल रहा है। ये मुद्दा है देश का, ये विषय है। भगवा कपड़े पे पहनने वाले चिन्मयानंद को हम लोगों ने नहीं देखा, भगवा कपड़े में इसी उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घूमते हैं, एक कार्यक्रम में गए हरदोई या सीतापुर में कहां पे, वहां पे लड़की ने भगवा कलर के बना दिया। बताइए आप,
टॉयलेट भगवा कलर में बना दी, ये हो रहा। और हम जब कहते हैं भगवा का सम्मान कीजिए, अरे भगवा का सम्मान कम से कम भाजपाइयों से हम लोगों को नहीं सीखना, बिल्कुल नहीं सीखना। हम भारतीय संस्कृति में यकीन रखते हैं, भारतीय सभ्यता में यकीन रखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब में यकीन रखते हैं। और ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्ला खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। और ये मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ये वो हिंदुस्तान, हम मिली जुली संस्कृति के देश हैं। हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते आपस में, मारकाट की राजनीति में हमारी कोई रुचि नहीं है। लेकिन दिन रात झगड़े की राजनीति, मारकाट की राजनीति, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति। तो मैं तो आप सब लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस नेता के नाम पर आप ये मंच चला रहे हैं, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, मैं तो ये कहूंगा कि गौतम बुद्ध की परंपरा को अगर हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह। भले उनका जन्म ऊंची जाति में हुआ, क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन उन्होंने इसका कभी ध्यान नहीं दिया और कभी इस बात की चिंता नहीं की कि मुझे अपनी जाति के लिए काम करना है। उन्होंने जो सवाल उठाया, जो लड़ाई लड़ी और जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया, उस सामाजिक न्याय के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि सत्ता के अंदर और नौकरियों के अंदर भागीदारी मिलनी चाहिए पिछड़े शोषित वंचित समाज के दलित कुचले इन सारे लोगों के लिए। और आप भी स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के विचार प्रासंगिक है, प्रासंगिक लगते हैं हमें। उस समय लगते हैं जब हम देखते हैं कि राजस्थान के एक मंदिर में एक दलित शादी करके जाता है तो उसको घुसने नहीं दिया जाता। प्रासंगिक लगती है ना उस वक्त जब पुलेन शहर के अंदर एक सीआरपीएफ का जवान जो दलित समाज से आता है, उसकी शादी होती है तो वो कहता है घोड़ी पर बैठने के लिए हमें पुलिस की सुरक्षा दी जाए। अगर आजादी के 75 साल के बाद भी मिड डे मील बनाने वाली दलित महिला के हाथों से आज मिड डे मील नहीं खाई जा रही है तो स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के विचार प्रासंगिक है और इसको लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। समरसता की बात, एकता की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात, हिंदुस्तान के ये जो मूलभूत सिद्धांत है इनको जब हम लेकर आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आज क्या राजनीति हो रही देश में, कोई मुद्दे की बात नहीं होती। आप बताइए, ऐसी ऐसा धुन भर दिया है लोगों के दिमाग में। फतेहपुर में चुनाव के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी रैली करने आए तो उन्होंने यह नहीं कहा कि भाइयों और बहनों स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी मिलना चाहिए कि नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सब नहीं पूछा। हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसका उसकी आप सोच देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की विकास की धारणा देखिए आप, हमारे प्रधानमंत्री कितने कितने विचारवान हैं इसको देखिए आप। वो फतेहपुर की रैली में कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। एक प्रधानमंत्री अगर उसकी सोच यही है कि गांव गांव में शमशान होना चाहिए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और देखिए, कई कई बार कहा जाता है किसी किसी की जुबान काली होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो वक्तव्य दिया और उसके बाद कोरोना की महामारी पूरे देश में झेला, गांव गांव में शमशान बन गए, गांव गांव में शमशान बन गए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि गांव गांव में लाशें जलाई जाए, नदी के घाट पे चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, ये हिंदुस्तान चाहते हैं। हमको शमशान नहीं चाहिए,
हमको अपने फसल का दाम चाहिए और हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तुम्हारे चंद मित्र वो इस देश को लूटने का काम करेंगे और हमको हमारा हक नहीं दिया जाएगा। सवाल ये बनाने होंगे, इन सवालों पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा साथियों। आज सत्ता से सवाल पूछने का साहस खत्म होता जा रहा है। ऐसे ऐसे काम ये सरकार करती जा रही है जिस पे कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता, कोई उनसे पूछ नहीं सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आप पूछते रहिए हर चीज में एक ही चीज, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और इससे ना हिंदुओं का भला हो रहा है, ना मुसलमानों का भला हो रहा है, ना इस देश का भला हो रहा है। इसलिए मैं आज इस राष्ट्रीय किसान मंच के सम्मेलन में आके गदगद हूं, बहुत खुश हूं और आभारी हूं शेखर दीक्षित जी का कि आज उन्होंने यहां पर मुझे आमंत्रित किया, बुलाया। मेरा आज पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन था, मैंने अरविंद जी से इजाजत ली, मैंने कहा किसानों का सवाल है, जाना बहुत जरूरी है और बीच में कार्यक्रम छोड़ के मैं आपके बीच में शामिल होने के लिए आया। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके आगे के किसी आंदोलन में, किसी सम्मेलन में जब भी आप कभी आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, बड़े सवालों पर हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, बड़े सवालों पर सरकार से दो दो हाथ भी करना पड़ेगा, बड़े सवालों पर उनसे जवाब मांगना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।